हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआरटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज का सीरीज लेके आई हूँ गाइस, जो कि पार्ट 7 है। इसके पहले के जितने भी सीरीज हैं गाइस, वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आई होप आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे और स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखिए कितना बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में काफी हेल्प करेगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है गाइस, विंडोज 10 में लैंग्वेज स्विचिंग के लिए शॉर्टकट की का क्या यूज है, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है लैंग्वेज को स्विच करने के लिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन ए है अल्ट प्लस शिफ्ट, बी है कंट्रोल प्लस एल, सी है अल्ट प्लस टैब, डी है नो शॉर्टकट की अवेलेबल टू परफॉर्म दिस टास्क। तो इसका राइट आंसर है गाइज आपका अल्ट के साथ शिफ्ट, यानी कि जब भी आप अल्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तब विंडोज 10 में लैंग्वेज स्विच हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्विक QR, जिसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस कोड, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ए है डेंसोवेव 1994, बी है गूगल, सी है RBI या डी है IBM। तो राइट आंसर है गाइस इसका डेंसोवेव, यानी कि ये जो QR कोड है ये फास्ट तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए या हम पेमेंट करते हैं उसके लिए ये बनाया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, फायरफॉक्स क्या है। ऑप्शन ए सिक्योरिटी सिस्टम, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी मैसेंजर। तो इसका राइट आंसर है गाइस सिक्योरिटी सिस्टम, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को हैकिंग से बचाता है, यानी कि जब भी फायरफॉक्स ऑन रहेगा हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर रहेगा। फायरफॉक्स आप सभी चेक कर ले अपने कंट्रोल पैनल में जाके कि आप सबके सिस्टम में फायरफॉक्स ऑन है या ऑफ है। ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्रमांक किस देश से विकसित हुआ है, यानी कि 4.0 क्रमांक किस देश से विकसित हुआ है। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है USA, सी है सिंगापुर, डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है गाइस जर्मनी, यानी कि जो सीरीज है आप लोग सीरियल नंबर बनाते हो वो आपका जो विकसित हुआ है वो जर्मनी से है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। ये ट्रिपल सी के पेपर में कई बार आ चुका है गाइस, प्रीवियस पेपर में कई बार ये पूछा जा चुका है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोग इस पर फोकस जरूर करेंगे कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। ऑप्शन ए है 543, बी है 37, सी है 87, डी है 500। तो राइट आंसर है गाइस इसका 543। आगे बढ़ते हैं गाइस, OTP की समय सीमा क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड। कल के भी जो पुराना लेक्चर है गाइस उसमें भी मैंने OTP के बारे में बताया आपको कि ये सिक्योरिटी लेयर होता है और इसके जो OTP के डिजिट होते हैं ये भी हो चुका है आपकी वीडियो में, तो इसमें देखेंगे कि लिमिट क्या होती है। ऑप्शन ए है 20 मिनट, बी है 15 मिनट, सी है 2 से 10 मिनट्स या डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है गाइस OTP की समय सीमा गाइस 2 मिनट से और 10 मिनट तक बीच में रहती है, कभी कभी 30 सेकंड ही चलता है या 10 सेकंड भी चलता है। तो ये क्या होता है गाइस, ये डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांच से या किस एप्लीकेशन के माध्यम से वो OTP आई है। ज्यादा सिक्योर वाली जो OTP होती है, जो ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज को ध्यान में रखा जाता है उसकी समय सीमा कम होती है, और जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज जिसमें नहीं होता है उसकी समय सीमा ज्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, QR कोड में कितने डिजिट संग्रहित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 7080, बी है 4296 अल्फाबेट में, सी है 5028, डी है 7089। गाइस आपको ध्यान में रखना है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि QR कोड में हम 7089 जो आपके डिजिट है उसको संग्रहित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वल नाउ फंक्शन का क्या उपयोग है गाइस, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है कि नाउ फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है करंट डेट, बी है करंट टाइम, सी है ए एंड बी, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए बी बोथ, यानी कि ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, डेट हो या टाइम हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। कट कॉपी पेस्ट जैसे ऑपरेशंस करने से पहले हम क्या करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी भी डेटा को कट कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं, कट कॉपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है। ऑप्शन ए सेलेक्ट टेक्स्ट, बी पेस्ट, सी बोल्ड, डी ऑल ऑफ दिस। तो गाइस इसका राइट आंसर है सेलेक्ट टेक्स्ट, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मैटर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी टेक्स्ट हो, अगर उसको हमें कट या कॉपी करना है तो उसके पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। SNMP
किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सेंडिंग मैसेज, बी है डोमेन मैनेजमेंट, सी है नेटवर्क मैनेजमेंट, डी है सेंडिंग फाइल्स। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन सी नेटवर्क मैनेजमेंट। गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है SNMP है क्या और इसका पूरा नाम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉर्मेट, बी है टूल्स, सी है स्टाइल और डी है सीट। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है गाइस, आप सभी फोकस करेंगे और ये काफी ज्यादा पूछा भी गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टूल्स, यानी कि मेल मर्ज ऑप्शन टूल्स मेनू में पाया जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पहली स्वीकृत IoT का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्मार्ट वॉच, बी है ATM, सी है रेडियो, डी है वॉकी टॉकी। गाइज IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि फ्यूचर सेल्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यह कहा गया कि पहला IoT किसे माना जाता है या पहली IoT के रूप में कौन सी डिवाइस मार्केट में आई, तो वो आपका ATM है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो आप लोग पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए जो इसका यूज करते हैं, जिस मशीन का आपके सभी के पास ATM कार्ड होता है, वो सबसे पहली IoT मानी गई है। आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल MQTT को सुपरिभाषित करता है? ऑप्शन ए है मशीन टू मशीन, बी है पब्लिश एंड सब्सक्राइब, सी है रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, डी है मेश टोपोलॉजी। गाइज पहले तो हम MQTT का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मैसेज क्विकिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर चलता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, IoT का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है केविन एस्टन, बी है डेंसो वेब, सी है एलन मस्क, डी है स्टीव जॉब्स। तो आपके ट्रिपल सी में फादर से और ईयर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है गाइस केविन एस्टन, ये है IoT के फादर। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, इसमें से कौन सा भारत का अपना लोकल सर्च इंजन है? ऑप्शन ए है google.com, बी है mekhan.com, सी है justdial.com, डी है chutkimeghar.com। तो ये आपका राइट आंसर है justdial.com। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और आप लोग लाइव भी कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे, ये उम्मीद के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रिंट करने के लिए हम किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए .obj, ऑप्शन बी .stj, ऑप्शन सी .stl, ऑप्शन डी है .slt। तो गाइज इसका राइट आंसर है आपका .stl, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टीरियो लिथोग्राफी, जो कि 3D प्रिंटिंग में भी यूज होता है, किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? गाइज आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइज, NCR 304 में किस पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि NCR 304 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? गाइज ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, बी है सेकंड, सी है थर्ड जनरेशन या डी है फोर्थ जनरेशन। गाइज इसका राइट आंसर है सेकंड जनरेशन। गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, अधिकतर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है IBM 1401, ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस जनरेशन का ये कंप्यूटर है, तो ये आपके सेकंड जनरेशन का है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, ई कॉमर्स के जनक कौन है? गाइज आज हम सब ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, डिजिटली रूप में लेन देन करना, व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। अब इसके फादर कौन है हम देखेंगे, ऑप्शन ए है केविन डफे, बी है मार्क जकरबर्ग, सी है जेफ बेजोस या डी है बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर है गाइस केविन डफे। आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गाइस आई होप आपको लाइक हो रहा होगा, आप सबको अच्छा लग रहा होगा। टेक्स्ट कर्सर चेंज करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है इंसर्ट, बी है पार्ट स्क्रीन यानी कि PRT स्क्रीन, सी है पॉज, डी है कैप्स लॉक। तो ये है आपका राइट आंसर गाइस इंसर्ट, यानी कि जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है, हमारा कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। गाइस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दरपाल सिंह में और मे बी आपके अगले जो भी आपका पेपर होने वाला उसमें से क्वेश्चन ये आपका फंस भी जाए, अच्छे से आपका अटेम्प्ट भी दे पाए आप। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो बस चलते हैं इतना ही गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक चल पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।